भर में जितनी कौमें तबाह हुई है ना, अगर मुझसे पूछें, जो मैंने थोड़ा सा गिबन साहब को पढ़ा है, विल ड्यूरेंट को और कुछ दो चार किताब है, जब भी उनकी कौम के लीडरों ने अपनी कौम को बांस पे चढ़ाया है ना, वो तबाह हुई है। अगर मुझसे पूछें लेसन ऑफ हिस्ट्री, अगर मतलब उनके अपने हैं, हालांकि विल ड्यूरेंट साहब ने पूरी किताब लिखी है इस पर, लेसन ऑफ हिस्ट्री पर लिखी है, बाकी उन्होंने भी लिखी है, जब आप अपनी कौम को आके इन्फ्लेटेड किस्म की उनकी ईगो, उनकी अना, उनके यहाँ नेशनलिज्म, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपेरियरिटी, या उनके अंदर जिसकी बात अभी अमर भाई कर, खुददारी की बात जिसकी कर रहे हैं, मतलब वैसे तो बड़ी अच्छी लगती है पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सम टाइम जब आप इसको मुल्कों की उस, आप उस पर सतह पर उस पर लेकर जाते हैं ना, और आप समझते हैं कि जनाब के दुनिया में जो जो आपकी अब डिप्लोमेसी होती है या दुनिया में रिलेशनशिप होते हैं ना, वगैरह या बगैरती की बुनियाद पर होती हैं, वो सोसाइटी तबाह होती हैं। मैं तीन चार मिसालें तो यहाँ से भी दी जा सकती, पुरानी भी दी जा सकती हैं। मतलब यही काम हिटलर ने किया था, वो भी वो इलेक्टेड था, पॉपुलर था, बहुत बड़ा वो इस पर क्रिजमेटिक था, वो भी आपको याद हो। इवन कैनेडी को देख लें, कैनेडी वॉज वेरी पॉपुलर, पॉपुलर था, वो वियतनाम में घुसे और वियतनाम का क्या कोई डिजास्टर अमेरिका के लिए लेकर आए थे, ये पॉपुलर फैसले थे। 2003 का देखें, जब इन्होंने मैप, ये वेपन्स ऑफ मास ये डिस्ट्रक्शन थे, उस वक्त पूरा ये अमेरिकन मीडिया जो है वो पूरी सपोर्ट कर रहा था बुश एडमिनिस्ट्रेशन को, सीए के कहने पे कि इराक पे वार इसलिए करनी जरूरी है कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास वो आपके डिस्ट्रक्शन है, पूरे मीडिया ने सपोर्ट किया, चढ़ाई के बांस पे उन्होंने भी बुश को चढ़ा दिया, उन्होंने भी वहाँ की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को चढ़ा दिया, अगर इराक तबाह ना हुआ तो हम तबाह हो जाएंगे, हम मारे क्या निकला, लाखों लोग मारे गए ना आपके। सर एक सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे अगर थोड़ी सी ज्यादा देना, सवाल जरूर पूछ लेगा, एक एक बंदा रो में आ रहा हूँ तो उसको थोड़ी सी जाने दें, आप थोड़ी सी बाद में पूछ लीजिएगा सवाल, जरूर आई विल गिव आपको सवाल में ले लूंगा सारा। सो यहाँ पे बहुत सारे तरीक में ऐसी चीजें हुई हैं कि आपकी लीडरशिप जो है आपको जाके ऊपर, सदाम हुसैन ने ये किया, आपको याद होगा वहाँ पे उनकी हुकूमत थी, मुर्सी साहब की मिस्र में हुकूमत थी, अच्छी खासी हुकूमत थी आपके सामने थी, इस अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पे, हालांकि सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई आप कहते इमरान खान साहब ने अखबारों को किया, इतना कभी उन्होंने, मैंने उनके मुंह से कभी पंजाब की तारीफ नहीं सुनी, पंजाबियों को नहीं सुनी, बलोचों को नहीं सुनी, कभी सिंधियों को नहीं सुनी, कभी उन्होंने आके पोठवारियों को आके उन्हें ग्लैमराइज नहीं किया, कभी सराइकियों को नहीं किया, तो मुझे बताइएगा, उन्होंने अखबारों को किया हमेशा, का अखबार बहादुर हैं, अखबार गैरतमंद है, वो सारे कुछ हम अदरवाइज हैं, आपने कभी उनके मुंह से इस खित्ते के लोगों की, किसी बहादुर की, किसी कौम की नेशनलिटी को सुनी और तारीफ, तो मुझे बताइएगा। उन्होंने किताब भी लिखी तो गैरतमंद उन्हीं लोगों पे लिखी कि वो गैरतमंद हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कौमें हैं ना उनकी कोई गैरत या हवाले से मैंने तो कभी उनका नहीं सुना कि हमारी कोई तारीख है, कोई हम लोग बहादुर भी हो सकते हैं, हम लोग इज्जतदार भी हो सकते हैं, हम भी ग्लोरीफाई, आज तक उन्होंने हमें कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। इस खित्ते ऑफ ये पाकिस्तान को बारें उनके अखबार जो है ना, सबसे ज़्यादा उनके हीरो भी रहे हैं, अखबार उनके लिए बहादुर भी हैं, उनके लिए गैरतमंद भी हैं।